नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए सुख शांति और स्वस्थ प्रार्थना करती हूँ। आप सब खूब खुश रहे और आबाद रहे। आज एक छोटा सा कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कहानी का नाम है ईश्वर पर विश्वास। वो कहते हैं ना, ईश्वर जो करता है सबके अच्छे के लिए ही करते हैं। इसी टॉपिक में आज का कहानी। राजा कृष्णचंद्र अपना मंत्री से बातें कर रहे थे। राजा का खानसामा उनके सामने बहुत सारे लाल लाल ताजा सेव लेके आए। राजा खानसामा को बोले, आज हम अपने हाथों से इसे सेव को काटकर खाएंगे, तुम एक धार वाला चक्कू ले आओ। खानसामा बोले, नहीं राजन, आपको ये काम नहीं आता ठीक से। अगर चाकू से आपका उंगली कट जाएगा या आपको चुभ जाएगा तो बहुत दर्द होगा। पर राजा खानसामा का बात नहीं माने और खानसामा के हाथ से चाकू खींचकर अपने ही हाथों से एप्पल को काटने का प्रयास करने लगे। एक दो टुकड़ा काटते काटते अचानक चाकू का नोकी राजा के हाथ में चुभ गया। हाथ से टप टप खून निकालने लगा। दर से राजा छटपटाने लगे। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य राजा के हाथ में एक अच्छा दवा लगा दिए और ऊपर से रेशम का कपड़ा बांध दिया ताकि खून गिरना बंद हो जाए। राजा गुस्सा से बगल में बैठे मंत्री को बोला, पता नहीं ईश्वर को मेरे हाथ में जख्म देकर क्या अच्छा काम किया, क्या मिला उनको। इसमें ईश्वर का कौन सा भला और अच्छाई छुपा है पता नहीं है। मंत्री हंस करके बोले, राजन, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं, अभी ना, बाद में कभी आपको समझ में आएगा कि आज का इस काम के पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा संदेश छुपा हुआ है। राजा बहुत गुस्सा हुए मंत्री पर। वो उनके साथ बहस क्यों कर रहे उल्टा बात का। इसी गुस्सा से राजा बहस करने के लिए मंत्री को 15 दिन का कैद का सजा दे दिए। मंत्री तो कैद में चले गए। अब राजा को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यही एक मंत्री था जो राजा से बहुत ज्यादा मेल खाता था। उनका कहना सब कुछ उनसे बहुत पसंद था राजा को। राजा का मन खराब हो गया था तो राजा अपने मन को बहलाने के लिए जंगल में शिकार खेलने का तय किए हैं। मंत्री भी यहाँ कैद में, राजा भी राज छोड़ के जाएंगे तो राजा सोच करके सिर्फ 5 जन साथी को अपने साथ में लेके जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते राजा घना जंगल में चल गए और साथियों से अकेले छूट भी गए। अकेले खो गए राजा। राजा परेशान थे, कहीं से उनको कोई साथी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। घना जंगल में लुटेरा लोग रहते थे। उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया और राजा के शरीर से सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात सब लूट लिया और राजा को बांध के जंगल का देवी का मंदिर में गए ले गए। उनको बलि चढ़ाने वाले थे वो लोग। राजा बोल रहे थे कि मैं यहाँ का राजा हूँ, पर कोई उनका बात पर विश्वास नहीं किया। बलि के लिए राजा को नहलाने ले गया। नहलाने वाला राजा को जब नहला रहा था तो अचानक उनका उंगली में कटा हुआ जख्म देखा और बोले, अरे इसका तो पहले से ही बलि पर हो चुका है, इसका हाथ में इतना जख्म है और जख्म वाला आदमी का तो बलि नहीं लिया जाता। सो राजा को लोग छोड़ दिया। राजा कैसे भी घूम घाम के अपना महल में वापस आए और ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि उनको बलि चढ़ने से वो बच गया। फिर उनको मंत्री का बात याद आया। फिर राजा कैद में जाकर के मंत्री को छुड़ा के लाए और सारा कहानी उन्होंने मंत्री को बताए। राजा बोले, इसमें मेरा तो भला हुआ मंत्री, फिर तुम तो कैद में रहे, आपका क्या भला हुआ।
अब हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। मंत्री बोले, मेरा भी भला हुआ राजन, अगर हम कैद में नहीं रहते तो आप मेरे साथ, मैं आपके साथ जाता। और आपको जब वो लोग देखा कि जख्म के चलते आपको जब छोड़ दिया बलि होने से, तब मेरे को बलि चढ़ा देता, हुआ ना मेरा भी भला। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता, आप तो, आपको विश्वास हुआ ना। राजा बोले, हाँ अब मेरे पर, मेरा भी ईश्वर पर विश्वास हो गया, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मंत्री, आज हम समझ गए कि ईश्वर हमारे आसपास ही रहते हैं, खाली हम देख नहीं सकते। इसीलिए आज से मैं ईश्वर पर विश्वासी करने लगे। धन्यवाद। कैसा लगा कहानी? आप सब भी इस पर विश्वास करते हैं ना, ईश्वर हमारे आसपास ही रहते और ईश्वर जो करते हमारे अच्छा के लिए ही करते, वो कभी हमारा बुराई नहीं कर सकते, है ना? कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद।